किसने बोला तेरे को बनाने के लिए? किसने बोला? वहां डीएस रूम में तेरे मुंह से सब कुछ उगलवा लेना है उन्होंने। कौन लड़का है वो? कहाँ का है वो? तू जानती है तभी तो उसको कि कोई वीडियो बनाया गया है बाय अ गर्ल, एक स्टूडेंट की तरफ से, और वो वीडियो जो है उसके रिगार्डिंग कुछ र्यूमर फैल गया था कि वो वीडियो किसी कुछ और लोगों का भी बनाया गया है, तो उसके बेस के ऊपर यहाँ पे कुछ बच्चे जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक FIR रजिस्टर कर दी गई है और जो अक्यूज है उनको हम अरेस्ट कर चुके हैं। मैटर अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि कोई भी जो र्यूमर्स हैं उनके ऊपर बिल्कुल हम ध्यान ना दें। किसी भी की कोई डेथ नहीं हुई है यहाँ पे। इस तरह के कुछ र्यूमर्स मेरे नोटिस में आ रहे थे, कुछ वीडियोस इस तरह के वायरल हुए हैं। अभी तक मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे नोटिस में ऐसी कोई चीज नहीं आई है। हमने ऑलरेडी FIR रजिस्टर कर दी है और एक जो है जो अक्यूज्ड स्टूडेंट है उसको हम ऑलरेडी अप्रिहेंड कर चुके हैं और हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है। एक लेडी गजेटेड ऑफिसर जो है, मैडम जो है, उनको जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में आता है, जो हमारी अब तक की जो हमने जो स्टूडेंट है जिसके बारे में बात हो रही है, हमारे जो उससे इंटरेक्शन भी हुआ है, जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें ये बात साफ आती है कि जो वीडियो है वो सिर्फ उसकी अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है। ना ही स्टूडेंट ने खुद बताया है कि उसने किसी और की वीडियो बनाई है। इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स हैं, फोन इक्विपमेंट है, कुछ भी और है, उनको ऑलरेडी हम कस्टडी में ले चुके हैं और उनको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए आज ही भिजवाया जा रहा है। जो अब तक की तफ्तीश है उसमें ये बात साफ जाहिर होती है कि वीडियो जो है वो सिर्फ उस लड़की की अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है। अभी कुछ भी इस मामले पे कहना मुश्किल है, जब तक इसकी गहराई से जांच नहीं होगी तो कोई भी कमेंट करना। पर सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी कोई भी कमेंट करना मुश्किल है। पर आश्वासन देती हूँ मीडिया के राही, जितने भी पंजाब की बच्चियों के पेरेंट्स हैं, कड़ी कार्रवाई होगी। कि आपको लोगों के सामने, क्योंकि ये बच्चियों के भविष्य का मामला है, बहुत संगीन मामला है, इसके ऊपर एक एक कदम जो है बहुत फूंक फूंक के रखने वाला, और उन बच्चियों को भी आज जरूरत है एक सहारे की, उनको मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि वो कोई दोषी नहीं है, उनके साथ ही गलत हुआ है, इसलिए आज उनको भी काउंसलिंग की जरूरत है और पंजाब पुलिस को इसको सीरियसली लेना चाहिए, किसी पॉलिटिकल दबाव के चलते इसको दबाना नहीं चाहिए।